हेलो फ्रेंड, मैं इसरार खान खुश आमदीद करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पटना बर्ड्स लवर में। तो फ्रेंड, आज का जो टॉपिक है कि बर्ड्स की केज में हम कौन सी ऐसी चार चीज़ रखें जो बर्ड्स की हेल्थ को फ़ायदा पहुँचाए, बर्ड्स की साइज में ग्रो हो, ब्रीडिंग सीजन में ब्रीड अच्छा करे, एक की क्वांटिटी बढ़े और जो चिक्स निकलें वो हेल्दी निकलें। तो इसी टॉपिक पर वीडियो में आज हम बात करेंगे, तो वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें, वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो में बने रहें आप। अब वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। जो हमारे चैनल पर पहली बार यानी कि जुड़े हैं, पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, कमेंट ज़रूर करें वीडियो कैसा लगा। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड, आज का जो टॉपिक है कि हम अपने बर्ड्स की केज में चार चीज़ ऐसी कौन सी है जो हम अपने बर्ड्स की केज में ज़रूर से रखें ताकि वो बर्ड्स की जो हेल्थ वगैरह है वो अच्छी रहे और ब्रीडिंग सीजन में कोई मसला ना हो, ब्रीड अच्छा करे, जो बर्ड्स के जो चिक्स निकलें वो हेल्दी निकलें, एक की क्वांटिटी बढ़े, एक जो है वो अनफर्टाइल एग ना हो, एक के अंदर बच्चे ना मरे, डेड एंड सेल यानी कि अंडे ना हो। क्योंकि जब अंडे में यानी कि बहुत ऐसी चीज़ जो नहीं यानी कि बन पाता है यानी कि अंडे के अंदर मिल पाता है, जिस कारण से बच्चे तो उसके अंदर बन जाते हैं लेकिन वो कुछ दिनों के बाद वो अंडे ख़राब हो जाते हैं, अंडे में से बच्चे यानी कि नहीं निकल पाते हैं, बच्चे कमज़ोर रहते हैं जिस कारण से बच्चे अंडे के अंदर ही मर जाते हैं। तो ये सब मसला क्यों होता है, कौन सी ऐसी चार चीज़ है जो हम अपने बर्ड्स को प्रोवाइड करना है, तो इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे आज। तो पहले तो मैं बता दूं, जो नए बिगनर भाई हैं जो पहली बार बर्ड्स रखने का शौक यानी कि पाल रहे हैं, तो वो बर्ड्स तो यानी कि ले आते हैं ख़रीद के, लेकिन वो एक गलती क्या करते हैं कि सिर्फ सादा कंगनी ही अपने बर्ड्स को प्रोवाइड करते हैं। तो सादा कंगनी भी बर्ड्स यानी कि आसानी से और आराम से खा लेते हैं, लेकिन बर्ड्स को जो यानी कि बॉडी में कमी होती है कैल्शियम की, विटामिन की, ये सब कमी यानी कि वो यानी कि उसे यानी कि पूरी नहीं हो पाती है। तो जिस कारण से बर्ड्स क्या होते हैं कि धीरे धीरे वो कमज़ोर होने लगते हैं। अगर थोड़ा सा भी मौसम चेंज हो रहा है या इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है तो वो बर्ड्स पहले बीमार पड़ेंगे आपके यहाँ, जो बर्ड्स कमज़ोर हैं क्योंकि उन्हें उस टाइप का डाइट नहीं मिल पा रहा है, आप यानी कि सीड मिक्स यानी कि नहीं दे रहे हैं अपने यानी कि बर्ड्स को मिला के, सिर्फ सादा कंगनी दे रहे हैं। उसी तरीके से ये चार चीज़ भी है वो भी आपको यानी कि प्रोवाइड करना है अपने बर्ड्स को, जिससे क्या हुआ कि बर्ड्स की हेल्थ बनी रहेगी, बर्ड्स के फेदर वगैरह जो झड़ जाते हैं वो मसला नहीं आएगा, एक की क्वांटिटी भी बढ़ेगी, चिक्स निकलेंगे वो भी हेल्दी निकलेंगे। तो ये सब चीज़ यानी कि ज़रूरी है बर्ड्स के लिए। तो आप भी अपने बर्ड्स की केज में ये चीज़ ज़रूर रखें, कॉलोनी में ज़रूर रखें ताकि बर्ड्स की हेल्थ है वो अच्छी रहे। तो बात करते हैं कौन सी ऐसी चार चीज़ है जो अपने बर्ड्स की केज में रखना है। तो पहला नंबर पर हम बात करते हैं जो कैल्शियम ब्लॉक है वो आप अपने बर्ड्स की केज में रखें, क्योंकि कैल्शियम ब्लॉक है वो बर्ड्स यानी कि काफ़ी शौक से खाना पसंद करते हैं। जब ब्रीडिंग सीजन पर होते हैं, ब्रीडिंग पर जब बर्ड्स यानी कि रहते हैं और जब उन्हें कैल्शियम की कमी महसूस होती है तो वो काफ़ी शौक से खाना पसंद करते हैं। तो आप वीडियो में आप देख सकते होंगे मैंने यानी कि पिक अटैच किया हुआ है, तो ये कैल्शियम ब्लॉक है, ये आप अपने बर्ड्स को ज़रूर प्रोवाइड करें। ये 24 आवर्स बर्ड्स के केज में लगा के लटका के कहीं पर छोड़ दें ताकि बर्ड्स अपने हिसाब से वो खा सके। और दूसरा चीज़ है वो है आपको यानी कि सेंधा नमक, लाहौरी नमक जो होता है, काला नमक भी होता है, ये सब चीज़ भी अपने बर्ड्स को दें, क्योंकि इससे क्या होगा कि बर्ड्स की जो खाना खाएंगे वो उसे डाइजेस्ट करेगा, उसे कैल्शियम भी उसमें यानी कि प्रोवाइड करता है वो कैल्शियम जो नमक खाते हैं, और बर्ड्स में क्या होता है कि चर्बी वगैरह लगने का ख़तरा ख़त्म हो जाता है, क्योंकि वो यानी कि जब भी वो कोई ऐसा यानी कि ऑयली चीज़ खाएँगे या ग्रीन फूड खाएँगे इससे क्या होगा कि उन्हें मोशन वगैरह नहीं लगेगा, उसकी बर्ड्स की जो पेट है उसका हेल्थ अच्छा रहेगा, जिससे बर्ड्स आपके यहाँ एक्टिव रहेंगे। और तीसरे चीज़ मैं आपको बता दूँ कि चिकनी मिट्टी, चिकनी मिट्टी पर भी मैंने एक वीडियो डाल चुका हूँ, तो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वो भी आप पूरे डिटेल से देख सकते हैं।
तो चिकनी मिट्टी अपने बर्ड्स को भी प्रोवाइड करना चाहिए। जब बर्ड्स आपके ब्रीडिंग मूड पर होते हैं, ब्रीडिंग मूड पर होते हैं और वो जब चिकनी मिट्टी वगैरह खाते हैं, जिससे क्या होता है कि उन्हें चिकनी मिट्टी से भी काफ़ी सारा कैल्शियम मिलता है, जिस कारण से उनकी यानी कि बॉडी में जो भी कैल्शियम की कमी होती है वो चिकनी मिट्टी खा के वो अपनी कमी को पूरा करते हैं। तो चिकनी मिट्टी भी आप अपने बर्ड्स को ज़रूर प्रोवाइड करें। और लास्ट में आते हैं कटल बॉर्न फिश, समुद्री झाग जिसे हम बोलते हैं। इसमें जो समुद्री झाग होता है इसमें काफ़ी सारा कैल्शियम विटामिन होता है, जो यानी कि बर्ड्स यानी कि काफ़ी शौक से यानी खाना पसंद करते हैं और जो बर्ड्स के हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा है। और अगर बर्ड्स के जो चिक्स वगैरह कमज़ोर निकल रहे हैं या अंडा डेड एंड सेल हो रहा है, तो अंडे की क्वांटिटी कम है या अंडे का साइज छोटा है, तो आप अपने बर्ड्स को यानी कि कटल बॉर्न फिश ज़रूर प्रोवाइड करें। ये खाने से क्या होगा कि बर्ड्स में कोई भी चीज़ की कमी होगी तो वो कटल बॉर्न फिश खाने से पूरा होगा। ये चार चीज़ अपने बर्ड्स की केज में या कॉलोनी में ज़रूर रखें। इससे क्या होगा कि बर्ड्स की हेल्थ अच्छी रहेगी, बर्ड्स एक्टिव रहेंगे, फिट रहेंगे, ब्रीडिंग टाइम में ब्रीड अच्छा करेंगे। तो ये एक छोटा सा हमारा टॉपिक था, जो नए बिगनर भाई हैं वो ये सब चीज़ का ख्याल रखें, अपने बर्ड्स के लिए ये चार चीज़ ज़रूर प्रोवाइड करें ताकि बर्ड्स की हेल्थ अच्छी रहे। तो इसी तरीके से मैं वीडियो लेके आता रहूँगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। जो नए व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने बर्ड्स का खूब सारा ध्यान रखें। अल्लाह हाफिज़।